इस वाले वेरिएंट में आपको आर्म रेस्ट भी देखने को मिल जाता है। खाली साइन नहीं दिखाता, ये साउंड भी करता है। कंपटीशन से आपको एक डिफरेंट स्टांस इस कार में देखने को मिल जाता है। तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको इस वाले वेरिएंट में मिल जाएंगे। वॉर रिम्स पे आपको इंडिकेटर टर्न सिग्नल्स नहीं देखने को मिल जाता है। सो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा लगेज यहाँ पर आने वाला है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये जो आप फ्रेम में कार देख रहे हो, दिस इज द न्यूली लॉन्च्ड Hyundai Venue S Plus वेरिएंट। इस कार के प्राइसेस के बारे में बात करें तो ये वाला मॉडल आपको 9,35,000 के शोरूम प्राइस में मिल जाता है। एंड इसी प्राइस पे आपको टाटा नेक्सॉन एंड XUV 3XO विटारा ब्रेजा मिल जाती है। अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वाले वेरिएंट में क्या कुछ इंक्लूड करा गया है, क्या आपको ये वेरिएंट कंसिडर करना चाहिए एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन से क्या कुछ डिफरेंट आपको इस कार में मिलेगा, इस कार के इंटीरियर एक्सटीरियर फीचर्स एंड उसी के साथ साथ इस कार के ऑफर्स के बारे में बात करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, स्पेशल थैंक्स गोज टू Arise Hyundai। अगर आपको Hyundai का कोई भी प्रोडक्ट चेक करना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सो पहले अगर हम इस कार के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात करें, सो फ्रंट प्रोफाइल में इस कार में ब्लैक कलर में एक डिफरेंट अपीयरेंस मिल जाती है एज कम्पेयर टू अगर हम कॉम्पिटिशन के बारे में बात करें। एंड काफी ज्यादा एक बॉक्सी लुक आपको इस प्राइस पॉइंट में देखने को मिल जाती है। अब क्या कुछ आपको एलिमेंट्स में यहाँ पर मिलता है उसके बारे में बात करें, हेडलैम्प्स के बारे में बात करें, सो यहाँ पर आपको LED में हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे जो कि हाई बीम एंड लो बीम में रहने वाले हैं। इसके सराउंडिंग में अगर आप देखोगे सो आपको रेक्टेंगुलर शेप में LED DRLs देखने को मिल जाते हैं जो कि एक डिफरेंट अपीयरेंस इस कार को दे देते हैं। एंड ऊपर अगर आप देखोगे सो यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि हैलोजन में रहने वाले हैं एंड एक काफ़ी ज़्यादा शार्प लुक इसे दे देते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। एंड अगर आप इस कार की ग्रिल देखोगे सो ग्रिल आपको यहाँ पर एक प्रीमियम फिनिश में देखने को मिल जाएगी जिसमें आपको 5 स्लैट्स देखने को मिल जाएंगे, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे सो ये छोटे रहने वाले हैं, उसके बाद बड़े 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 जो कि एक प्रीमियम सा लुक इसे दे देते हैं। बीच में आपको Hyundai का लोगो देखने को मिल जाता है। एंड लोअर ग्रिल अगर आप देखोगे सो ये आपको मैट ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाएगी। सिकट प्लेट आपको ग्रे कलर की देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स नहीं मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो कुछ ऐसी बॉक्सी सी साइड प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाती है जो कि ब्लैक कलर में एक अच्छी खासी रोड अपीयरेंस दे देती है। तो पहले अगर हम कार के टायर्स के बारे में बात करें सो यहाँ पर आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं, यहाँ आपको ब्लैक कलर के व्हील कैप देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको इनका डिजाइन देखोगे सो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये अलॉय व्हील्स है या फिर व्हील कैप्स है, क्योंकि इनका डिजाइन वैसे ही रखा गया है। एंड टायर सेक्शन के बारे में बात करें 195/65R15 के आपको अपोलो के टायर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा टेरिंग के लिए अच्छा है। देखोगे इस कार की बॉडी क्लैडिंग ये भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पर अगर आप डिजाइन देखोगे सो यहाँ से डिजाइन को चेंज करा गया है जो कि इस कार में जो नए फीचर्स सनरूफ के साथ दिए गए हैं वो ये भी। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे सो ओवर में आपको ब्लैक कलर के देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फेंडर्स पे इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। ओवर में उस पर आपको इंडिकेटर टर्न सिग्नल्स नहीं देखने को मिल जाते हैं जो कि देना चाहिए था, लेकिन चलिए फिर भी यहाँ पर भी ठीक है, ओल्ड स्कूल थोड़ा लगता है। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं एंड यहाँ पर भी सेम रहने वाला है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये डिफरेंट टेक्सचर देखने को मिल जाएगा। ग्रे कलर के रूफ रेल्स आपको ऊपर से देखने को मिल जाएंगे जो कि बेसिकली सिल्वर में रहने वाले हैं। क्रोम का फिनिश यूज करा गया है एंड यहाँ से आपको ये ब्लैक में देखने को मिल जाएंगे। एंड कुछ ऐसी आपको कार की साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। तो रियर प्रोफाइल के बारे में बात करें सो पर्टिकुलरली आपको Venue जैसी रियर प्रोफाइल मिलेगी, यहाँ पर आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप स्टांस इस कार का देखोगे सो कंपटीशन से आपको एक डिफरेंट स्टांस इस कार में देखने को मिल जाता है। अब क्या कुछ एलिमेंट्स में मिलता है वो हम यहाँ पर बात करते हैं। पहले अगर आप इस कार के टेल लैम्प्स देखोगे सो यहाँ पर ये कनेक्टेड आपको देखने को मिल जाएंगे। डेफिनेटली LED में आपको टेल लैम्प्स मिलेंगे एंड इनका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा आपको शार्प एंड स्लीक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि ट्रायड शेप में रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको सिक्वेंशियल भी आप इन्हें कह सकते हो। एंड नीचे अगर आप देखोगे सो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे सो ये रिवर्स लाइट देखने को मिल जाएगी। पीछे आपको दो पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे। ग्रे कलर की स्किट प्लेट रहने वाली है। टू विंग हुक आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। एंड Venue की बैजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। Hyundai का लोगो रहने वाला है। यहाँ पर आपको वाइपर नहीं मिलेगा लेकिन डिफॉगर मिल जाएगा, स्टॉप लैंप मिल जाएगा, शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। बूट स्पेस के बारे में बात करें सो यहाँ पर मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूँ कितना बूट स्पेस आपको मिलेगा, लेकिन अगर हम नेकेड आई से देखें कि कितना बूट स्पेस मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन से बढ़िया बूट स्पेस मिलता है, हद से भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स के लिए कहीं जा रहे हो, आपके पास लगेज बहुत है या आप फैमिली ट्रिप्स कर रहे हो सो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा लगेज यहाँ पर आने वाला है। एंड यहाँ पर आप दो लगेज भी रख सकते हो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर मिल जाता है स्पेस। एंड नीचे आपको पार्सल ट्रे देखने को मिल जाएगी। एंड लाइट्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, ना इस साइड रहने वाली है ना इस साइड रहने वाली है। लेकिन अगर आप स्पेस देखोगे तो डेफिनेटली स्पेस आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी। मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर आपको मैग्नेटिक टेलगेट देखने को मिल जाता है। एंड कुछ ऐसी आपको कार की रियर प्रोफाइल देखने को मिल जाती है।
बात करें कार के इंटीरियर्स के बारे में, तो पहले मैं आपको इस कार का डोर पैनल दिखाऊंगा रियर प्रोफाइल की साइड। सो यहाँ पर आपको रियर प्रोफाइल में डोर पैनल ड्यूअल शेडिंग में देखने को मिल जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट में। यहाँ पर अगर आप देखोगे सो ये आपको सिल्वर में देखने को मिल जाता है, जो कि क्रोम का काम करा गया है, जो कि प्रीमियम से बना देता है। यहाँ पर आपको व्हाइट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक पावर विंडो स्पेस, डोर पॉकेट्स आर गुड इनफ, एंड यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाएगी। एंड अगर हम कार के कम्फर्ट के बारे में बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर Hyundai की कार्स में कंफर्ट की कोई कमी नहीं होती है, चाहे वो ग्रैंड है, नियोस हो, चाहे वो एक्स्टर हो, कंफर्ट Hyundai की कार से बेटर कोई नहीं देता है विदाउट बीइंग बायस्ड। यहाँ पर आपको कंफर्ट डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। एंड सबसे बढ़िया बात, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको इस वाले वेरिएंट में मिल जाएंगे, जो कि एक बढ़िया बात है। सनरूफ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा इस वेरिएंट में, लेकिन 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कितना हेडरूम लेगरूम आपको देखने को मिल जाएगा। सो ऐसे में अगर आपको दिखाऊं सो आप देख सकते हो एक अच्छा खासा लेगरूम आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बढ़िया रहने वाला है, मतलब कंपटीशन से ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगा। Hyundai Sport अगर आप देखोगे बढ़िया है, एंड अगर आप हेडरूम देखोगे सो हेडरूम इज अ क्वाइट जेन्युइन, क्वाइट डिफरेंट एंड क्वाइट गुड, बहुत ज्यादा अच्छा हेडरूम आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे सो यहाँ पर आपको एसी वेंट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पर डिफरेंट शेडिंग में देखने को मिल जाता है। एंड को कंट्रोल करने का ऑप्शन भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। ऐसा कुछ आपको फ्रंट का देखने को मिल जाएगा, फ्रंट में क्या कुछ फीचर्स मिल जाएंगे उनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे। सो पहले अगर मैं आपको कार का डोर पैनल दिखाऊं, सो डोर पैनल भी आपको वैसा ही मिलेगा जैसा आपको पीछे मिलता था ड्यूअल शेडिंग में, व्हाइट एंड ब्लैक में। लेकिन यहाँ पर आपको फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। पहले ही आपको क्रोम में डोर हैंडल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ट्विटर देखने को मिल जाएगा, ओवर में हम उसको एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, लॉक अनलॉक के बटन मिल जाएंगे, चारों ही इलेक्ट्रिक पावर विंडोज रहने वाली है, विंडोज को लॉक करने का ऑप्शन, थोड़ी बहुत स्पेस, डोर पॉकेट्स आर गुड इनफ, स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाएगी। एंड ऐसा कुछ आपको इस कार का डोर पैनल देखने को मिल जाता है। तो अब मैं आ चुका हूं इस कार के इंटीरियर्स में। अब अगर हम इंटीरियर में देखें कि कार में आपको क्या कुछ डिफरेंट मिल जाता है दूसरे वाले वेरिएंट से, क्या कुछ आपको खास यहां पर देखने को मिल जाता है। सो पहले मैं अगर आपको बताऊं कि यहां पर आपको डिफरेंट क्या मिल जाता है, देखो अगर आप डोर को अनलॉक करोगे ना, यहाँ पर ये शोर करता है, ये खाली साइन नहीं दिखाता, ये साउंड भी करता है, अगर आप सुन पा रहे होगे। सो यहाँ पर ये एक चीज बढ़िया है। सो कुछ ऐसा आपको इग्निशन मिलेगा जो कि डिफरेंट है, बहुत बढ़िया है, ये सेम ही आपको मिल जाता है। मैं आपको ये बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊं सो यहाँ से आपको हेड लेवल लेवलिंग देखने को मिल जाएगा, अट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, ऑन ऑफ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एसी वेंट को अगर आप देखोगे सो ये आपको क्रोम में देखने को मिल जाता है, मतलब इनके सराउंडिंग में आपको क्रोम देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको इनका स्पेस देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप डैशबोर्ड का लेआउट देखोगे डेफिनेटली आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप इस कार की टच स्क्रीन देखोगे सो मैं मेंशन कर रहा हूँ कितनी बड़ी टच स्क्रीन है, जो कि आपको सेम मेन्यू में मिलती है, यहाँ पर भी वही है, ग्रैंड एंड न्यूज में भी आपको यही मिलती है, लेकिन डिजाइन वहां पर चेंज है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपको एक क्रोम की लाइनिंग देखने को मिलेगी। सबसे बढ़िया बात मैनुअल बटन्स है, क्योंकि अगर कार इंसान ड्राइव करता है तो जब ऑटोमेटिक बटन्स नहीं दबते तो इंसान 3-4 बार जाता है, डिस्ट्रैक्शन होती है ड्राइविंग के टाइम। लेकिन मैनुअल बटन्स एक बार टच करो वो चल जाते हैं, रेडियो, मीडिया, ट्रैक, सीट, सेटअप सब कुछ आपको मिल जाएगा, हजार लाइट देखने को मिल जाएगी, एसी वेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, मैनुअल यूएसबी सॉकेट आपको देखने को मिल जाएगा, 12 वोल्ट का चार्जर है, टाइप सी चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाएगा, वायरलेस फोन चार्जिंग रहने वाली है, एंड 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपको क्रोम में देखने को मिल जाएगा, थोड़ी बहुत स्पेस, 2 कप होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक। एंड इस वाले वेरिएंट में आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि एक बढ़िया बात है। एंड स्पेस भी आर्मरेस्ट में अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है। ग्लू बॉक्स अगर हम देखें तो अच्छा खासा ग्लू बॉक्स है, एंड आपको ये ड्यूअल शेडिंग में देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको कोई मिरर नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको मिरर मिल जाता है। लाइट्स के बारे में बात करें सो यहाँ पर भी आपको हैलोजन में ही लाइट्स मिलती है, एलईडी में लाइट्स नहीं दी गई है। सनरूफ अगर आप देखोगे सो कुछ ऐसा आपको सनरूफ देखने को मिल जाएगा, जो कि बढ़िया है। अब अगर हम क्लस्टर के बारे में बात करें सो क्लस्टर आपको यहाँ पर डिजिटली देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर टाइम दिखा रहा है, मतलब ऑटो स्टॉप कितने टाइम बाद स्टॉप करेगा ये। यहाँ पर आपको ड्राइव इन्फो दिखा रहा है, कितने किलोमीटर चली है, कितने आवाज बाकी है, मतलब आप सेट भी कर सकते हो कितने किलोमीटर गाड़ी चलने वाली है, तो वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। एंड फ्यूल भी दिखा देगा, उसी के साथ साथ सिनेस रिफ्यूलिंग, कब रिफ्यूल आपने किया है, कितनी माइलेज दी है, एंड कितनी माइलेज ये देने वाली है, वो सब कुछ आपको मिलेगा। एक्युमुलेटेड इन्फो आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब सभी कुछ यहाँ पर डिजिटल आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी खासी बात है। एंड यहाँ से आपको इसके कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे टच स्क्रीन के, जो कि आप ड्राइवर के टाइम कंट्रोल कर सकते हो, जो कि बेसिक्स है।
यहाँ से आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, एंड मैनुअल आपको डे नाइट के लिए आरपीएम देखने को मिल जाएगा, जिसे आप हाथ से एडजस्ट कर सकते हो डे एंड नाइट के लिए, जो कि ठीक ठाक है इस वाले वेरिएंट में। सो कुछ ऐसा कार का इंटीरियर रहने वाला। सो मैं अगर बताऊं, सो डेफिनेटली अच्छे खासे फीचर्स दिए गए हैं, अच्छी खासी चीजें दी गई है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलता है ज्यादा, बस ऑल मेन्यू में अगर आप जाओगे सो यहाँ पर फोन है, फोन प्रोजेक्शन है, वॉइस मेमो है, रेडियो है, सेटिंग है। सो कुछ ऐसा ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलता है। वॉइस मेमो में आप देख सकते हो मतलब कितनी वॉइस आपको मिल जाएगी, आप डिलीट भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। सो कुछ उतना ज्यादा अपग्रेडेड नहीं है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बेस्ट है, डेफिनेट गुड है। ये था इस कार का रिव्यू। कैसा लगा आपको ये रिव्यू, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।